हल्द्वानी शहर अपराध का गढ़ बन गया है। यह हम नहीं कहते, यहाँ की रोजाना हो रही घटनाएं इसका गवाह है। ताजा मामला सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। जी हाँ, एक भाई ने अपने ही भाई को रामलीला में भरे लोगों के बीच गोलियों से भून दिया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये हैरान करने वाली घटना हल्द्वानी के कमलवा गांजा में रामलीला मंचन के दौरान घटी है। आपको बता दें, लामाचौड़ निवासी अधिवक्ता उमेश को उन्हीं के भाई दिनेश ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। रात में ही पुलिस ने कई जगह दबिश दी, मगर वो पकड़ में नहीं आया। और अब इस मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरत में पड़ गया है। दरअसल पूरनपुर नैनवाल लामाचौड़ निवासी 45 वर्षीय उमेश नैनवाल एसडीएम कोर्ट में अधिवक्ता थी। रात कमलवा गांजा में रामलीला चल रही थी, जिसमें उमेश अपने परिवार संग आए। रात करीब 10:30 बजे उनका बेटा आदित्य नैनवाल मंच पर परशुराम का अभिनय कर रहा था। उमेश मंच से तकरीबन 30 मीटर दूरी पर ही थे और वो अपने बेटे का वीडियो बना रहे थे। धनुष टूटते ही राम बारात निकलने लगी, लोग तालियां बजा रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे। इस बीच उनका चचेरा भाई दिनेश नैनवाल आया और सीधे अपने भाई को गोली मार दी। तभी धमाका हुआ, लोगों ने समझा कि पटाखे फोड़े गए हैं, मगर अचानक उमेश जमीन पर गिर कर खून से लथपथ हो गए। तब पता चला कि उन्हें गोली मार दी गई। दिनेश की योजना सिर्फ चचेरे भाई को गोली मारने तक पहले से तैयार नहीं थी, बल्कि भागने तक का उसका पूरा प्लान था। इसीलिए वो इतनी भीड़ के बीच आसानी से भाग निकला। लोगों ने उसे गोली मारकर भागते हुए भी देखा, मगर रोकने या पकड़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। गोली लगने से उमेश वहीं पर गिर गई। आरोपी दिनेश मौके से फरार हो गया। लोगों ने उस उमेश को कालाढूंगी रोड स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनके परिवार का हाल बेहाल हो गया। आपको बता दें, दरअसल पूरनपुर नैनवाल में दोनों भाई उमेश और दिनेश नैनवाल की काफी जमीन है। पुलिस के अनुसार करीब 1.5 साल पहले दोनों भाइयों के बीच 24 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर विवाद चल रहा है उसकी बाजारी कीमत इस समय कई करोड़ों रुपए है। उमेश को एसडीएम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए काफी समय हो गया था। जमीन के विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट में ही उनका केस चल रहा था। आरोपी दिनेश का कमलवा गांजा में एक पब्लिक स्कूल भी है, ये स्कूल 12वीं तक का है। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह 24 बीघा जमीन है। इस जमीन पर लंबे समय से उमेश नैनवाल का काबिज था, दिनेश भी जमीन पर अपना अधिकार जताने लगा। दोनों परिवारों के बीच विवाद थाने तक पहुंचा। बार बार विवाद को देखते हुए पुलिस ने जमीन पर 106-116 के तहत कार्रवाई कर दी। वहीं अपने ही भाई की हत्या करने वाले दिनेश नैनवाल का आपराधिक इतिहास भी है। कुछ सालों पहले वो हत्या के आरोप में जेल चला गया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने भाई से रंजिश रखी। आए दिन विवाद को तूल देना शुरू हो गया था। गोली लगने से युवक की मौत की सूचना पर एसएसपी प्रहलाद भी मौके पर पहुंचे, तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को आरोपित को पकड़ने के निर्देश दिए, घटनास्थल का मुआयना भी किया। दिनेश उमेश को गोली मारने के बाद मुख्य गेट पर आया, उसे किसी का डर नहीं था। गेट पर आते ही उसने तमंचा दीवार पर झाड़ियों में फेंक दिया, इसके बाद वो भाग निकला। अब फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है। तो रामलीला मैदान में खुलेआम हत्या से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वारदात के समय रामलीला ग्राउंड में 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस घटना के बाद रामलीला को अग्रिम आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक का नाम उमेश नैनवाल है और जो हमलावर था वो भी इसका रिलेटिव ही है, दिनेश नैनवाल नाम बताया जा रहा है इसका। और पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हमें उम्मीद है हम जल्दी से गिरफ्तार करें। सर अभी ये है नैनवालपुर कमला बाजार का जमीन का विवाद चल रहा है। वो जमीन है, वो जिसकी जमीन है वो गुजर गए, वो जमीन में कब्जा करने के उसमें इन्होंने गोली मारी है उमेश चंद नैनवाल को। जो इन्हें गोली मारी वो दिनेश चंद नैनवाल है, ताऊ का लड़का ही, और ये मारी है रामलीला में, कमला बाजार रामलीला चली है वहीं मारी है। पकड़ में आए हैं अभी नहीं आया, अभी तो भागा है, रिकॉर्ड करा दी है। अब बाकी तो खोज भी नहीं यही करेंगे पुलिस वाले, हमने बता दिया उन्हें।